चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैजुअल्टी। दोस्तों, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो सकता है आप घर में हो सकता है आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपने एक बात जरूर देखी होगी, कभी कभी कुछ ऐसी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाती है पेशेंट के साथ, किसी पर्सन के साथ। तो हमें उस केस में, इन दैट कंडीशन, हमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना उस कैजुअल्टी के लिए, नॉट ओनली इंडस्ट्री, एवरीवेयर, आपकी डेली लाइफ में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हो सकता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमें ये समझना होगा हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड होता है क्या है। फर्स्ट एड की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट असिस्टेंट और ट्रीटमेंट गिवन टू कैजुअल्टी फॉर एनी इंजरी और सडन इलनेस बिफोर द अराइवल ऑफ हाईली क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन और एम्बुलेंस। मेरी बात ध्यान से समझो, कहीं पे एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, कोई कैजुअल्टी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम उसकी कैसे हेल्प करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेट्रो शहर में रह रहे हो, दिल्ली जैसे शहर में, वहां पे अगर एम्बुलेंस जा रही है तो एज अ ह्यूमन बीइंग्स सभी को साइड दे देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है ट्रैफिक की वजह से, ठीक है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ट्राइज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा ट्राइज है क्या। ट्राइज एक प्रकार से हमारी अर्जेंसी है। कभी कभी आपने देखा, फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक आया, तो वहां पे अर्जेंसी क्या है, उसे हमें इमीडिएटली फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, हॉस्पिटल तक लेके जाना है। कैसे पॉसिबल है? या तो कोई हाईली क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन हो तो वो उसको ट्रीटमेंट दे सके, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्टेशन। और आपने देखा होगा कि कलर कोडिंग, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एम्बुलेंस में देखा रेड, रेड का मतलब क्या है, इंडस्ट्री में आप जा रहे हो ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, तो ये कलर कोडिंग हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइडलाइन ऑफ अर्जेंट, अब देखो अर्जेंटी, एज अर्जेंसी की बात करें तो दो ही केस होगा, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, यू आर द सेफ्टी ऑफिसर, एक्सीडेंट हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको उसको प्रोवाइड करना फर्स्ट एड। अब हो सकता है फर्स्ट एड है, मेजर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझना है। आप ट्रैफिक में जा रहे हो, ट्रबल कर रहे हो, किसी के साथ कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग वहां पे ट्रीटमेंट नहीं देते, वहां पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई केस लग जाएगा, उल्टा केस है, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको समझना है दो ही कंडीशन होंगी, यस और नो, यस और नो। यस मतलब हमें मदद करनी है, नो मतलब नहीं करनी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज सेफ। फॉर एग्जाम्पल कोई मैं ट्रबल करूं और मैं चलते चलते गिर गया, तो वहां पे दो ही कंडीशन होगी, या तो मुझे मेजर एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, या फिर कोई माइनर। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन है, यस और नो। अब यस में आप समझो, आपने देखा होगा रेड कलर, रेड का मतलब क्या है, एम्बुलेंस रेड किस लिए है, रेड मतलब आपको इमीडिएटली वहां पे प्रोवाइड करना है फर्स्ट एड। कैसे प्रोवाइड करोगे? फॉर एग्जांपल के लिए किसी के साथ कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कोई पर्सन गिर गया या एक्सीडेंट हो गया, तो इमीडिएटली मुझे केयर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेड मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ, अगर उसकी सर्वाइवल की बात करें लाइफ की, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इमीडिएटली हमें अटेम्प्ट करना है, तो रेड का मतलब यही है। अब आपने देखा होगा एम्बुलेंस क्यू रेड कलर में लिखा होता है, सारा का सारा एजेंसी, इमीडिएटली हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, आप हटिए। आपने देखा होगा, आपने न्यूज में भी सुना होगा, एक रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, उसका मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट प्लांट कर दिया गया 30 मिनट के अंदर अंदर, पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों? आप अगर अर्जेंटली प्रोवाइड कर रहे हो, अर्जेंसी, रेड का मतलब ये है रेड। जो फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल में जो रेफरी होता है तीन कार्ड रखता है, ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड मतलब आउट इमीडिएटली, क्यों? क्योंकि आपने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया, ठीक है। येलो मतलब वार्निंग दे रहा है। तो ऐसे ही हम आते हैं यहाँ पे सेकंड, येलो प्राइम। देखो, मैं येलो की बात नहीं कर रहा, येलो प्राइम की बात समझो। अब बियॉन्ड द केयर, अब केयर के बियॉन्ड क्या हो रहा, रिगार्डलेस ऑफ द एमरजेंसी, जो भी एमरजेंसी है वहां पे ये कलर कोडिंग डिप्लॉय होती है, येलो प्राइम। इसी तरह बात करेंगे येलो, येलो मतलब अर्जेंट है, अर्जेंट है, बट नॉट इमीडिएटली, यू कैन वेट 40 and 60 minutes फॉर दिस। कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद आप वेट कर सकते हो उसके लिए कितना, 40 या 60 मिनट तक के लिए, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट, जहां पे मैंने बात किया था अर्जेंट के अंदर नो, नो में दो ही कंडीशन आएगी, आपकी इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल वर्कर के हाथ में छोटा सा हैमर लग गया, माइनर है, तो वहां पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे। क्यों? सेफ्टी ऑफिसर को बोला जाता है आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है, एज पर फैक्ट्री एक्ट फर्स्ट एड के सारे इक्विपमेंट्स होना चाहिए, आप वहां पे दे सकते हो।
फर्स्ट एड केयर, राइट। ब्लैक का मतलब यू नो डेट, कोई भी एक्सीडेंट हुआ स्पॉट में उसकी डेड हो गई, दिस इज द डिनोट बाय ब्लैक साइड, राइट। तो ये हमारे कुछ कलर कोडिंग है। रेड, रेड मतलब समझ जाओ, अगर कोई भी फायर फाइटिंग का जो कलर होता है किस लिए होता है रेड, वो इमरजेंसी डेंजर आपको शो कर रहा है, राइट। तो ये हमारा एक चार्ट था, ट्राइज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैजुअलिटी। कभी भी कैजुअलिटी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, नॉट मैं सेफ्टी प्रोफेशनल बोलूंगा, आपको एज अ ह्यूमन बींग्स उसकी हेल्प करनी है, राइट। तो आपको ये समझना है कि प्राइम कोड क्या होता है, मतलब कलर कोडिंग क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो होप यू गाइस वीडियो आपको अच्छी होगी, मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।